इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, क्योंकि डीडीसी के हवाले से बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर डीडीसी चुनावों को लेकर घाटी पहुंचे हैं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने श्रीनगर में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की है। और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कश्मीर के पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है और चुनावों के मद्देनजर उम्मीदवारों की सुरक्षा पर मंथन किया गया। यानी कि लगातार जिस तरह से डीडीसी चुनावों का दौर देखा जा रहा है, कवायद हर पार्टी की तरफ से चलाई जा रही है, उसी को मद्देनजर रखते हुए अब भाजपा भी लगातार सक्रिय जो है वो कश्मीर के अंदर नजर आ रही है। क्योंकि तरुण चुग ने आज कश्मीर का दौरा करने के लिए वो पहुंचे हैं, पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने की कोशिश आज की गई है और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कश्मीर में पार्टी कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने की भी बात कही है। यानी कि जिस तरह से एक खौफ उनके अंदर देखा जा रहा था, उनके मनोबल को किस तरह से बढ़ाना है उसे मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज श्रीनगर के अंदर ये काम किया है। चुनावों के मद्देनजर उम्मीदों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी काम करने की कोशिश की गई है। जो उम्मीदवार इस वक्त कवायद पूरी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, डीडीसी चुनावों में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर भी आज मंथन किया गया कि किस तरीके से उन्हें सुरक्षा व्यवस्था वहां पर मुहैया कराई जाएगी। क्योंकि इससे पहले कई बार अटकलें यह भी लगाई जा रही थी कि बार बार लोगों की तरफ से, कई कार्यकर्ताओं की तरफ से भी कहा गया था कि सुरक्षा व्यवस्था मुहैया होनी चाहिए, लेकिन आज जिस तरह से डीडीसी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए तरुण चुग जो है वो श्रीनगर पहुंचते हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं और बैठक करने के बाद मुकम्मल तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पर भी मंथन होता है। तो अब देखना यह होगा कि क्या सुरक्षा व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को दी जाती है या नहीं, क्योंकि जिस तरह से डीडीसी चुनावों में भाग लेने के लिए ये लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है कि भाजपा के अलावा और भी जितनी पार्टियां डीडीसी चुनावों के बीच में अपना योगदान दे रही हैं, अपनी कवायद चलाती हुई नजर आ रही हैं, जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उन्हें सुरक्षा मुहैया कराना ये बहुत बड़ा जिम्मा जो है वो दिख रहा था। और जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर सारे नुमाइंदों को सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी या नहीं। लेकिन डीडीसी चुनावों को लेकर घाटी में आज भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पहुंचते हैं और तरुण चुग लगातार श्रीनगर के अंदर नेताओं के साथ बैठक करते हैं और बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा फिलहाल ये तो समय ही बताएगा। लेकिन राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग आज कश्मीर में पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो एक अहम मुद्दा यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ तजमुल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तजमुल, सबसे पहले तो बैठक में क्या कुछ चल रहा है उसकी जानकारी लेना चाहेंगे आपसे।